बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे बहन भाई? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, लाइक और कमेंट करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाश्ता हो गया बिल्कुल तैयार। ये पराठे मेरे बच्चों के बहुत फेवरेट पराठे हैं। तो ये है मेरी बेटी फिज़ा बतूल, सबसे छोटी वाली। ये है सहरी शबास, ये मर्जी शबास, और ये छोटा बेटा मेरा अब्दुल हादी। इधर देखो अब्दुल हादी। और ये है शाल फातिमा। चले बेटा, खाना खाने से पहले कौन सी दुआ पढ़ते हैं? आज संडे है और हम नहा के फ्रेश हो गए हैं और हमने अपना सारा होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया है और अब हम खेलने जा रहे हैं और मम्मा ने भी इजाजत दे दी है। अब जी शाम का टाइम हो चुका है, अब मुझे खाना बनाना है शाम का। तो मेरा बेटा अभी सो के उठा है, माशाल्लाह सोया पड़ा था काफ़ी देर से। चलिए आज के खाने में मैं बना रही हूँ मुर्गी का गोश्त, और अभी मैंने सब्जी तैयार करनी है। सब्जी कर ली है मैंने तैयार, धनिया, प्याज, सब्ज़ मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और चिकन। ये है मेरे हस्बैंड ज़रूरत मसाले, जितने के मैं हर सालन में इस्तेमाल करती हूँ। आज टमाटर नहीं डाल रही इसलिए कि आज दही वाला चिकन बनाना है हमने, तो टमाटर की जगह पे दही डाल रही हूँ। घी हो गया मेरा गरम, अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। प्याज को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूंगी। प्याज हो गया मेरे ब्राउन, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। थोड़ी देर किया इसको फ्राई, मेरा अदरक और लहसुन पेस्ट फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें कर दूंगी चिकन ऐड। अच्छा, अदरक और लहसुन के बाद अगर चिकन बनाना हो तो अदरक लहसुन के बाद जो है चिकन डाल देते हैं फौरन, क्योंकि अक्सर अगर बाद में डालें तो स्मेल आती है। तो ऐसे अदरक लहसुन के साथ साथ अगर चिकन पहले फ्राई होगा तो बहुत ही आला मियार से ये फ्राई भी हो जाते हैं अंदर से और इसमें से स्मेल भी नहीं आता सालन में से। मुझे अभी इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है। चिकन मेरा हो गया फ्राई अच्छे से, अब मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ मिर्च मैंने डाल दी है। अब मैंने इसमें डालने हैं मसाले, इन मसाले में सुरख मिर्च पाउडर, नमक, गरम मसाला पिसा हुआ और खुश्क धनिया पिसा हुआ और हल्दी। ये मैंने कर दिए हैं मसाले। मसाले तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी उनको अच्छे से, ताकि जो मिर्ची है वो कच्ची ना रहे। हल्का हल्का पानी का छींटा लगा के इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। मिर्च मसाले माशाल्लाह बिल्कुल, अब
अब मैंने इसमें दही डाल दिया है। दही डाल के फिर थोड़ी देर इसको और पकने दूंगी ताकि जो दही का एक खट्टा वाला टेस्ट है वो बोटियों के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। सालन मेरा इस टाइम बिल्कुल तैयार है और अब इसमें मैं गार्निश के लिए डालूंगी सब्ज़ धनिया, नींबू के स्लाइस कटे हुए, लेमन के और सब्ज़ मिर्च कटी हुई। गार्निश के लिए मैंने ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। थोड़ा कैसे हल्का सा अब मैं चूल्हा करती हूँ बंद क्योंकि सालन मेरा बिल्कुल तैयार है। इसी के साथ जी मेरा काम ख़त्म होता है आज रात तक का। अब रोटी बनाऊंगी और बच्चों को खिलाऊंगी। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।